बैक टू माई चैनल, मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ। यानी कि अगर आपने इस रेसिपी को 15 दिन तक खा लिया अपने ब्रेकफास्ट में, सबसे अच्छी बात है आप इसे अपने लंच में भी खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी रेसिपी है और अगर आप इसे खाएंगे तो 15 दिन में आप अपने वेट में तो जो फर्क देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ये ऑफकोर्स एक वेट लॉस रेसिपी है। तो कमर के आसपास की चर्बी देखेंगे कितने अच्छे से मेल्ट होती है, जांघों के पास की चर्बी कितने अच्छे से मेल्ट होती है। साथ ही साथ जो लोग भी थोड़ा सा एज के उसे लड़ रहे हैं, फाइन लाइंस फेस पे दिख रही हैं, फेस का ग्लो चला गया है, आप बहुत जल्दी अपने एज से, यानी कि अगर आप 28 के हो तो आप 35 के लगते हो, 40 के लगते हो, इस चीज से जूझ रहे हैं। अगर आपने इस रेसिपी को अपनी जिंदगी में ऐड कर लिया, यानी कि अगर वीक में आप इसे थ्री टू फोर डे आपने इसे ऐड कर लिया किसी भी टाइम, एक टाइम, तो आप सोच नहीं सकते कितना ज्यादा मैजिक होने वाला है आपकी एज के साथ, इवन आपकी वेट के साथ। तो मतलब मैं इसे हमेशा लेता कोशिश करती हूँ कि वीक में मैं इसे 4 टाइम लूँ। कभी कभी मैं लंच में ले लेती हूँ, कभी कभी मैं इसे ब्रेकफास्ट में भी ले लेती हूँ। आप इसके साथ बहुत अच्छा सा रायता बना के ले सकते हैं, आप इसके साथ कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जो भी आलू वालों अवॉइड करिएगा, आलू या इस तरह की चीज़ें मत लीजिएगा, ग्रीन वेजीज ले सकते हैं आप इसके साथ, टमाटर की चटनी लगा सकते हैं। मतलब यम्मी से भी यम्मी रेसिपी है। लोगों का ये जो भ्रम है कि वेट लॉस की रेसिपी टेस्टी नहीं होती है, तो एक बार उनको मेरे चैनल का लिंक जरूर भेजिए और तब आप उससे पूछिए कि वेट लॉस की जो डिश है वो यम्मी होती है कि नहीं होती है, और उनका जो वो मिथ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा कि यस, वेट लॉस की डिशेज भी यम्मी होती हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, बहुत धमाल सी पार्टी होने वाली है, और बगल का जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना जरूर भूलिए। और जिन भी अभी तक जिन जहां जहां वोटिंग नहीं हुई है, प्लीज करके वोट डालने जाइए, ये आपका अधिकार है। मैं कल वोट डाल के आई हूँ, तो जल्दी जल्दी से वोट डालिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून बेसन चाहिए। अगर आप 2 खाते हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, अगर आप 2 लोग हो तो। यहाँ पे मैं ऐसे सिंगल ही खाने वाली हूँ, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड डालूंगी, अलसी के बीज डालूंगी। ये नॉन रोस्टेड है, यानी भुने हुए ज़रूरी नहीं है, अगर भुने हैं वो भी सही है, या फिर पाउडर अलग अलग आप बना के रख सकते हैं। देन इसके बाद आपको इसका एक पेस्ट रेडी करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, बहुत ज़्यादा रनी नहीं। मैं दिखाती हूँ कैसा आपको रेडी करना है। इसमें मैं लगभग जीरा पाउडर डालूंगी, आप और मसाला ऐड कर सकते हैं, टर्मरिक ऐड कर सकते हैं, मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं सेंधा नमक ऐड करूंगी, ध्यान रखिए आपको सेंधा नमक ही लेना है। आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको पानी की हेल्प से इसका एक बैटर रेडी करना है, और मिक्सर की हेल्प से मैं इसे करती हूँ ताकि जो है बिल्कुल भी गुलती नहीं पड़ती हैं, या फिर मतलब कि जो है वो बेसन अच्छे से घुल जाता है। मुझे इसी से ही इजी होता है, मैं कुछ भी जब बैटर रेडी करती हूँ इसी से ही रेडी करती हूँ। मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है कि पानी और डालूँगी, 2 टेबल स्पून मैं और डाल के बस ये मेरा जो है वो रेडी है। आप देख सकते हैं ना, बहुत रनी है ना बहुत थिक है, तो ये जो बैटर है पूरी तरह से रेडी है। और इसके बाद मैं पैन में, या तो आप ऑलिव ऑयल से इसे ग्रीस करिए, या फिर आप इसे कोकोनट ऑयल से ग्रीस करिए, या फिर आप इसे घी से भी कर सकते हैं। मेरा आज ऑलिव ऑयल ख़त्म हो गया तो मैं इसमें घी ही डालने वाली हूँ। 1/2 टेबल स्पून घी डालिए, पैन को अच्छे से पूरा उससे जो है कर दीजिए, ताकि उसके बाद फिर आपको क्या है कि जो जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ घी है उसे आप अलग निकाल दीजिए, और जो वो है बैटर है इसमें अच्छे से डाल के पूरा फैला दीजिए। फैलाने के बाद आपको दोनों तरफ से इसे ढक के पकाना है, कि लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रनी है, तभी ये पूरी तरह से फैल जाएगा, वरना वो एक जगह बैठ जाएगा और फैलेगा बिल्कुल भी नहीं। और ये पूरा पैन के बराबर मैं पूरा एक जो है रेडी कर सकती हूँ। बैटर आप देख सकते हैं पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। लो फ्लेम पे ही पकाइए, ढक के पकाइए, क्योंकि जो ऑयल है वो कम है, तो ये भाप के ही द्वारा पकेगा, धीमी आंच पे आपको पकाना है इसे। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है और ढक के मैं इसे दोनों तरफ पकाने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये आपका बनेगा।
आप और ब्राउन कर सकते हैं, और ज़्यादा इसे आप जैसा कलर आप चाहते हो वैसा ले लो। फिर मैं दूसरी तरफ से इसे ढक करके पकाऊंगी। चिल्ला वो रेडी है, मैं इसे आज बटर मिल्क के साथ लेने वाली हूँ। आप इसे किसी भी ग्रीन वेजी के साथ ले सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ ले सकते हैं। टमाटो सॉस अवॉइड करिएगा, मेयोनीज अवॉइड करिएगा। तो इस तरह से आपका ये, तो फ्रेंड्स ने देखा ये डिश कितनी यम्मी है, कितनी ही ज़्यादा अच्छी है, और इससे आपकी एज, हेयर, मतलब एवरीथिंग, सारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से हो जाएंगी, वेट बहुत अच्छे से लॉस होगा, और साथ ही साथ जो स्किन की भी प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो भर भर के लाइक कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो, बहुत पसंद आया हो, तो शेयर कर लीजिएगा। अगर कुछ कुछ पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है, जस्ट आपके इस लाइक से हमें अप्रिशिएशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे वीडियो बनाएं, और लाइक से हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह के कंटेंट आप प्रिफर करते हो, रेसिपी प्रिफर करते हो, आप ड्रिंक प्रिफर करते हो, आप डाइट प्लान प्रिफर करते हो, आप एक्सरसाइज प्रिफर करते हो, इस चीज़ से हमें ये पता चलता है। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।